नमस्कार साहब, आज का जो ये कार्यक्रम था बहुत ही सुंदर और बहुत ही शिक्षाप्रद रहा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दो शब्द आप कि आज आपने जैसे यहाँ लगाया, आगे भविष्य में अगर कोई हॉल लगवाना चाहता है कहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा और क्या इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को फ्रूटफुल और सुंदर बताया। ये हमारा कंटिन्यू लगा रहेगा इस तरह का कार्यक्रम। ये बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम है स्कूली बच्चों का, इसमें मानव तस्करी, नशा और साइबर क्राइम से संबंधित अपराधों के बारे में बच्चों को बताया गया ताकि भविष्य में अपने और गलतियां ना करें इस तरह की और अपराधों पर रोकथाम रख सकते हैं। अच्छा, जैसे जागरदार में हम चाहते हैं कि लगवाना चाहते हैं तो क्या मैं आपसे इस विषय पर बात कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी हमसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आपके सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो जानकारी दी और आपका स्वभाव। गुरु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम था? नहीं, आज का जो कार्यक्रम कैसा लगा आपको? मतलब बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी आपको जानकारी दी, इंस्पेक्टर साहब ने जो जानकारी दी उससे बच्चों को मतलब ये लगा कि मतलब हमारे जीवन की क्या मतलब हम कौन सी बुराई जो बुराई है उसके बाद हमारा क्या स्थिति होगी, क्या हम किस गर्द में जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि टीवी पुलिस इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे आज कोरोना के टाइम पे उनके द्वारा मिशन हौसला और पुलिस समय समय पर अगर इस तरह से जागरूक करती रहेगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा। तो मैं संपूर्ण पुलिस प्रशासन और यहां पे सभी अध्यापक गणों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने यहाँ पे इस आयोजन में अपनी सहभागिता दी और समय दिया। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह जैसे आपने आज बोला सभी लोग ऐसे करेंगे तो शायद हमारे उत्तराखंड में बच्चों को कुछ नई शिक्षा मिलेगी और हम लोग जो है काल के मुंह में जाने से बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक लीगल व्यक्ति हूं, मैं जब कानून की पढ़ाई करता था तो जहां भी जाता हूं उस बारे में जरूर बता दूंगा। प्रैक्टिस मैंने करी पर मैंने छोड़ दिया, कुछ कारण थे। आज का जो विषय है लीगली जन जागरूकता, मतलब अपने अधिकारों के प्रति और हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या खराब कर रहे हैं उसके बारे में बच्चों की अभी से आदत डालना। इस तरह के प्रोग्राम सर मैं समझता हूँ कि 6 महीने में एक दो बार हो जाने ताकि हमारे बच्चे भी इसको आगे बढ़े। देखो बच्चों की बात हो रही है तो मैं बच्चों की बात करूंगा। मैं 2 चाइल्ड लाइन चलाता हूँ, एक रेलवे चाइल्ड लाइन देहरादून और एक उत्तरकाशी में, तो वहां पे हम लोगों का 17-18 स्टाफ है। उनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हर आदमी को संघ की दृष्टिकोण से क्या क्या देखो देखो कि हर आदमी वहां पे उस समय अपराधी है। क्योंकि अगर आप रेलवे स्टेशन में बैठेंगे तो वहां 2-3 बच्चे बिहार से, उड़ीसा से, कहीं से लाते यहाँ भेज दिया जाता है या भेज दिया जाता है, जबरदस्ती उनको नौकर बना के घरों के अंदर रख देते हैं। ऐसी उत्तरकाशी में कि बच्चों को दोनों माँ बाप लड़े झगड़े नेपाल चले गए, बच्चा छोड़ दिया उत्तरकाशी। ये सारी चीजें हो रही है लेकिन हमें ध्यान देना अपने अधिकारों के बारे में। जैसे अभी हमारे नेक जी कह रहे थे 18 साल के बाद आप बालिग होते हैं तो आपके भी वही नियम लगता है जो मेरे पे लगता है। लेकिन 18 साल से पहले आपके भी कुछ राइट है और 32 है। मैं एक दो को ही बताऊंगा, जैसे आपका पढ़ने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बच्चों को उस दृष्टिकोण से अपने आप को देखना चाहिए। ठीक, मैं जब हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं तो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं अगर बेटा हुआ तो बेटे को दूध पिला देना, बेटी के टाइम पे कहते तेरे लिए दूध नहीं, तुझे तो पराए घर जाना है। ठीक ऐसी है जैसे कि अगर पैसे हैं तो बच्चे को कर दे गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती और पैसे नहीं है तो लड़की को कर दे बेसिक स्कूल में भर्ती। तो अपने माँ बापों से पूछा करो, एक दोस्ती करो, जितने भी बच्चे हैं माँ बापों से दूर नहीं भागना, आपको अपने माँ बापों से हर चीज शेयर करनी है। ये तो आपके अधिकारों की बात थी। दूसरा जो आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, बहुत सारी टीवी के जो एड आते हैं और हम बड़े बड़े भी उसमें फंस जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे नापतोल होता है, देखा आपने टीवी में नापतोल वाले एड करते हैं कि जल्दी खरीदो 3 बेड सीट है, समय खत्म होने वाला है, 450 भेज दो नहीं तो आप छुट जाएंगे। और हम में से कई लोग फट ऑर्डर करते हैं, जो बेड सीट घर पहुंचती है तो हम बोलते हैं इससे बढ़िया तो हमारा पहले वाला ठीक था। तो हमें भागना नहीं, हमें देखो हर चीज देखनी है, सोचनी समझनी और उसके बाद ही उसको आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक,
हमारे प्रधानाचार्य हैं बेस्ट जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में आए थे और उनकी बड़ी एक चिंता थी कि सर जब से ऑनलाइन हुआ हमारे बच्चे झाड़ियों में बैठे हुए, पता नहीं क्या लगे हैं, पर डे है कि कुछ कर रहे हैं। अब मेरे से डाटा मांगा गया कि कितने बच्चों ने विज्ञान की परीक्षा पास करी, तो फिर मैं सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि बच्चे आई नहीं। और जो बैठे हुए थे इंटर कॉलेज के पीछे, दोनों ने छलांग मार दी, करे उस तरफ ज्यादा तो हाथ तोड़ देते। तो हमें उस तरफ नहीं जाना है। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दिया गया है और पढ़ने के लिए दिया गया है तो आपको उसी में ही पढ़ने की आदत डालो। और ऐसा नहीं है कि खराब है। देखो हम लोग तो पूरे भारत में लगभग हमें जाता हूँ, रेलवे टिकट बुक करनी, आपको होटल बुक करना, आपको जो भी कर रहे हैं आप घर बैठ के ही कर सकते हैं लाइन से बचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज खराब है, ठीक, पर आपकी मनोदशा क्या, आपका उपयोग करने का तरीका क्या है, हमें वो सोचना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और मैंने देखा हमारे सैंडबैग में भी किसी ने डाला कि मैं एटीएम कार्ड से बोल रहा हूँ, आपके एटीएम कार्ड का नंबर खराब हो गया, अपने एटीएम कार्ड का नंबर बता। और उस व्यक्ति ने फोटो से एटीएम कार्ड नंबर बताया, जब वो बैंक तक भी गया उसके 60,000 रूपए निकल चुके थे। एक ही फॉल्स कॉल आती है कि मैं SBI से बोल रहा हूँ या LIC से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट खराब हो गया, आप इसको ठीक कराए। तो हमें इन चीजों से बचना है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जानते हैं उनको चलाते, उनसे पूछ के इन चीजों का उपयोग करो। मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। मैं आभारी हूँ अंडलाघाल थाने के एसओ साहब से कि आपने आज का निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका स्वागत है। और समय समय में अगर ऐसा कैंप लग कर मैं समझता हूँ और जाएगी तो हमारे बच्चों के लिए उपयोगी होगा। जय हिंद, जय भारत। पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब कार्यक्रम के अंत में आज के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी श्री राजन सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल सर, रावत सर, और अदर टीचर्स और सभी यहाँ बैठे महानुभाव और प्यारे बच्चे, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हो और अपना अमूल्य समय आप लोगों ने हमें दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसमें मैं 2-3 पॉइंट ज्यादा नहीं बोलूंगा, पूरा पॉइंट बात करूंगा। और बच्चों सुन लो, पीछे कपड़े नहीं है, ये आप ही के मतलब की चीजें बता रहा हूँ। फर्स्ट हम आते हैं नशे पे। नशा किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, या शराब हो, चरस हो, स्मैक हो। नशे के दलदल में जब आदमी फंसता है तो फंसता चले जाता है। आपकी पढ़ने की उम्र है, अपने बड़ों को मत देखिए बीड़ी पीता है। हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग पीते हैं सिगरेट, पीते हैं बीड़ी, पीते हैं, उनको देख के उस तरफ नहीं जाना है। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी भी दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए तो सत्यानाश है इसका। नशा किसी भी तरह का नहीं करना। आसपास कोई करता है बड़ों से बताइए, कोई छोटा बच्चा भी आपके साथ करता है तो अपने पेरेंट्स को बताइए, ताकि उसके करने वाले के पेरेंट्स की नॉलेज में भी जाए तो उसको रोका जा सके। स्मैक का नशा बहुत खराब होता है, आदमी फिर उसके बगैर रुक नहीं पाता है और उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है, तड़पता है। तो स्मैक आजकल बड़ा बढ़ भी रही है, जगह जगह बिक भी रही है। हम लोग उसको रोकने का भरपूर प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी मात्रा कहीं से कहीं कैरी कर ली जाती है तो पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, जब तक ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट आते हैं साइबर क्राइम। कितने बच्चे मोबाइल यूज करते हैं? हाँ कर, और कितने व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं? करते हैं ना। फ्रेंड फेसबुक में किसी को भी अनोन कंट्री में एक्सेप्ट करनी है, ये नोट कर लीजिए। अनोन आदमी के फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। आप जिसको जानते नहीं है आप उसको कैसे फ्रेंड बना लेंगे और कैसे उसको विश्वास कर लेंगे? मोबाइल पे किसी से भी कोई दोस्ती या कोई वो नहीं जिसको आप जानते तक नहीं है। खासकर ये प्रश्न मैं लड़कों को बात करूंगा, बहुत से लड़के लड़कियों की फोटो लगा के फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। ऐसे माया जाल में भी नहीं फंसते हैं, ये बड़े काम की चीज बता रहा हूं आप लोगों को।
आप तो मन में सोचोगे यार फला से मेरी फ्रेंडशिप हो रही है, नहीं है, वो बेकूफ बनाते हैं और आपसे पैसे और खींच देंगे। साइबर क्राइम में एटीएम कितना यूज करता है, करता है कोई एटीएम यूज? कभी पेरेंट्स से एटीएम लिया हो या आपका अपना हो? नहीं है। एटीएम भी यूज करते थे, सिंगल यूज करना है, अकेले जाना है एटीएम में, किसी के आगे पिन को नहीं डालना है, किसी को मोबाइल पे ओटीपी आता कभी नहीं शेयर करना है, बैंक कभी नहीं पूछता है कि आपका ओटीपी क्या है, और कभी भी अगर ये आता है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है या आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर्ड होने वाला है, आप सीधा कहिए ठीक है हम बैंक में आके बात करेंगे, उससे कुछ भी शेयर करने की चीजें आवश्यकता नहीं है। समझे, मेरी बात समझ आ रही है? कुछ भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा थर्ड आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, मानव तस्करी। गरीब क्षेत्रों में खासकर बहुत ज्यादा फोकस करता है इस तरह के लोग, पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में मानव तस्करी होती है, संसार के अंदर तस्करी के तरीके अलग अलग है, कोई बंदूक के नोक पे उठा के ले जाता है अपने बंधुआ मजदूर वाला के काम करता है। अभी आप लोग तो खैर यहाँ हिल में है नहीं जानकारी है, मैदानी क्षेत्रों में ईंट के जो भट्टे होते हैं वहाँ पे बहुत दूर दूर के लोगों को लाके बंधुआ बना के मजदूरी कराई जाती है, ना तो वो उनको पैसे देते हैं ना वो अपने घर से जाने देते हैं, वहीं वो बंधुआ रहते हैं, किसी को जानकारी नहीं होती। जब कभी पुलिस को मिलती है इन्फॉर्मेशन तो रेड पड़ती है, तब वो छुड़ाए जाते हैं। वो तो हो गए बालिग में, नाबालिग में लड़के भी हैं, माँ बाप से झगड़ा हुआ, माँ बाप ने पीट दिया, आप घर छोड़ के बाकी नाराज हो गए, नहीं ये बिल्कुल गलत है। माँ बाप से अच्छा शिक्षण तक आपका हो ही नहीं सकता कोई, जिसने आपको पैदा किया जन्म दिया वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? आप माँ बाप की पिटाई से नाराज होकर घर छोड़ के भागे, क्या ये ठीक है? आप घर छोड़ के जाएंगे बाहर क्या करेंगे? नाबालिग को कोई काम पे रखता नहीं है, 18 साल से पहले कोई काम पे रखता नहीं है, रखेगा तो उसे पुलिस पकड़ेगी, और आप वहां करोगे क्या? होटल में बटन मंजवाएगा, एक टाइम की रोटी देगा, तनख्वाह पूरी देगा नहीं। तो कभी भी घर माँ बाप से अच्छा दोस्त आपका कोई हो ही नहीं सकता। आपको बाहर कोई चीज प्रॉब्लम्स है, कोई चीज आती, कोई लालच देता है, अपने माँ बाप से जरूर शेयर करिए, उसमें आप ही की भलाई है, आप ही की बचत है। लड़कियां हैं, नए आदमी आता है बहुत जल्दी दोस्ती नहीं, अगर आपको इस तरह की कोई ऑफर देता है तो माँ बाप से शेयर करिए कि ये आदमी ने मुझे ऐसे बोला, ये इस लड़के ने मुझे ऐसे बोला, उससे आती है भलाई है। अननोन आदमी के साथ कभी भी कदम आगे निकालने की जरूरत नहीं है कि कहां छोड़ दिया, छोड़ दिया, निकल गए। हम लोग यहाँ पे यही देख रहे हैं कि महिलाएं भी जा रही है, लड़के भी जा रही है, फिर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और फिर तब उनको पता लगता है नीचे भी उतनी मुसीबत है, उससे ज्यादा मुसीबत है। जो आप यहाँ अच्छा सोच के निकलते हैं घर छोड़ के, उससे ज्यादा मुसीबत नीचे आती है। नीचे जो ले जाएगा कभी किसी को, तो मारपीट करता है, शराब पीता है, खाना टाइम से नहीं देगा और चीजें, तब आपको लगता है हमारा पुराना घर ठीक था। तो किसी के बहकावे में बच्चों बिल्कुल नहीं आना है, समझे? वो एक कितना भी लालच दे किसी के बहकावे में नहीं आना है। मानव तस्करी में लड़के महिलाएं ऐसी ऐसी जगह ले जाके भेज भी देते हैं जहां से पुलिस को भी लाना मुश्किल हो जाता है। बहुत एरिया ऐसे हैं इंडिया के अंदर भी कि कलकत्ता भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, आगरा भेज दिया, तो आपको रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी लोकेशन ही नहीं मिलती। आपको ये पता लगेगा इस शहर में, लेकिन पता ही चलेगा कहाँ है। तो अपने जीवन को आपने खुद संभालना है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए था कि आप अच्छे बुरे को जाने, साइबर क्राइम हो गया, ओटीपी कोई शेयर नहीं करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, अजनबी पे। बाहरी आदमी देखा बहुत जल्दी अटैक हो जाता है, आदमी गांव में लोग आते रहते हैं, बाहरी कोई फल वाला आता है, फल वाला आता है, रेडी वाला आता है, उसका पुलिस 100% वेरिफिकेशन करे। मैं साहब से बोलूंगा, ऐसा साहब अपने एरिया में 20% वेरिफिकेशन करा लीजिए और पब्लिक टू पब्लिक मतदानों को भी उसमें रखिए, लाइन लूप लाइन में समाज आपका बना रहे, तो कोई भी गांव में इस तरह की चीजें ना हो। और बच्चों आपको कुछ उत्साह तो पूछना हो तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो बताइए। मेरी बात समझ आ गई है तो मैं विराम दूं अपनी लेक्चर को, ठीक है, धन्यवाद। लगभग समापन की ओर है तो सभी बच्चे बैठे रहेंगे, सब बच्चों को और समोसा और चाय मिलेगी और साथ में आपको मास्क वितरण भी होगा, तो सब बच्चे जाएंगे ही बैठे रहेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अतिथियों का धन्यवाद।
बच्चों, ये जो आज का कार्यक्रम था जो पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लगाया गया था कैंप, ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर, मेरा नाम संध्या पंवार है और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ, और यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। मानव तस्करी के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, सर लोगों ने बहुत कुछ बताया, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। और आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इस जो आपने यहाँ सुना समझा, और वो क्या बताएंगे आप? हमने यहाँ पे ये सीखा कि हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, सोशल मीडिया होती हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, फ़ोन अच्छी उसमें यूज़ करना चाहिए, उसका गलत वो नहीं करना चाहिए, और हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद। बेटी आप कुछ बोलोगी, कैसा लगा आपका कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। मैं सर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे स्कूल में आए और हमें ये शिक्षा दी है, और जो भी उन्होंने हमें बताया है, जो भी जानकारी दिया है, हम उसका अच्छे से पालन करेंगे, और आगे भी जितने भी लोग हैं हमारे आसपास के, हमारे गांव क्षेत्र के लोग हैं, हम उन्हें यह भी बताएंगे जो सर ने हमें जानकारी दी है, कि उन्हें किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करके तभी उनसे बात करनी चाहिए, और किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम था जिन सब ने आयोजन किया, तो मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थोड़ा तालियां मैं चाहता हूँ, सभी लोग बच्चे बजाएं तालियां जरा गुरुजी के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए जोर से, ये तभी तो बेटा के लिए वाले लोग यहाँ आ पाएंगे, है ना? तो मेरा भी पूरे समाज से, बच्चे बच्चों से यही अनुरोध है कि पुलिस को अपना मित्र समझें, शत्रु ना समझें, और छोटी मोटी बातें जो होती हैं अपने माता पिता से शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो अपने गुरुजनों से आप बताएं, ताकि जो है आपके साथ कोई छेड़खानी न कर पाए, और कुछ भी इस तरह का आपके साथ में ऐसे कोई अनहोनी ना हो। नमस्कार सर, आप प्रधानाचार्य जी हैं जी। तो आपका जो आज का ये कार्यक्रम था बहुत ही सुंदर मुझे लगा, और मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही चाहता हूँ कि आप दो शब्द जरा सा कहीं जरा अपने बच्चों के लिए कि आज जो कार्यक्रम था आपको कैसा लगा, और भविष्य में कैसे कैसे इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। ठीक है सर, हमको ये आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और हमारे बच्चों के हित में, छात्र हित में जो कार्य किया गया है, और जो भी ये अधिकारी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इस तरह की बच्चों से संबंधित जो बातें हमें बताई, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत सराहनीय कार्य हुआ, और बच्चों ने जो भी यहाँ पे उनके द्वारा जो कहा गया, जो बताया गया, जो उनको सेल्फ डिफेंस की के लिए जो भी बातें बताई गई, वो बहुत अच्छी है, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और मैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए जिन लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है, और हमारे बच्चों के हित के लिए ही ये कार्यक्रम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब तक आप लोग समय नहीं दोगे जी, अगर आप ही लोग टाल दोगे समय नहीं है तो फिर कैसे होगा, तो आप लोग जो समय देते हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप आने वाले समय में भी अगर ऐसे कार्यक्रम, हाँ आप कभी हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद, मैं आ जाऊंगा। गुरुदेव प्रणाम।